कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई है। वो पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि विज को दूसरी डोज 28 दिन के बाद दी जाएगी। इस दौरान एंटीबॉडी की कंडीशन की स्टडी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि यह ट्रायल सफल रहेगा। देश के 20 रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है। करीब 26,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इन सेंटरों में PGIMS रोहतक भी शामिल है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। पहले दो फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं नज़र आया। किसी भी वॉलंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में इस वैक्सीन से उम्मीद अभी फिलहाल बढ़ गई है। समाचार एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.